जैसे ही पैन हल्का सा गर्म होगा इसमें डालेंगे अपन एक चम्मच घी और घी को हल्का से ऐसे राउंड करेंगे, ये देखिए। और इसमें साथ में ही डालेंगे अपन काजू और बादाम। आप चाहो तो किशमिश भी ले सकते हो, ड्राई फ्रूट्स में जो जो आपको इच्छा हो वो ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वही आप लो। अब इन्हें फ्राई कर लेंगे, साथ में डालेंगे अखरोट, थोड़ा सा गुड़। इसी टाइम डालते जाएंगे, ये फ्राई भी होते जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना है जलाना नहीं है, गैस की फ्लेम को आपको मीडियम रखना है। और गुड़ के साथ ही ऐड कर रही हूँ मैं खजूर, और इन सभी को मिक्स कर लेंगे। और जो खजूर है वो होती है, आप फ्रेश भी ले सकते हो, पिंड खजूर भी ले सकते हो, लेकिन जो इनमें बीज आते हैं उनको आप निकाल लीजिएगा। ये देखिए हल्के हल्के से अपने फ्राई होने लग गए हैं। ये सारा सामान अच्छी तरीके से, आप चाहो तो इन्हें बड़ी क्वांटिटी में बना रहे हो तो अलग अलग फ्राई भी कर सकते हो, और मैं एक साथ फ्राई कर रही हूँ तो मैं एक साथ भी फ्राई कर सकती हूँ। गुड़ इसलिए क्योंकि अपन इस लड्डू को जब गोल गोल करेंगे ना तो आसानी हो जाएगी इन्हें बांधने में। है ये फ्राई हो चुके हैं घी में, चाहो तो और डार्क कलर कर सकते हो इसका, और चाहो तो ऐसे ही रख सकते हो। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ इलायची खुशबू के लिए। अब गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ये देखिए ऐसे कर करके इसे ठंडा कर लेना है। थोड़ा सा ये जो खजूर है इसको मैश भी कर लेंगे इसे, क्या है ये पूरी अच्छी तरीके से चिपक जाएगी। जो काजू बादाम है देखिए, कुछ लोग ग्राइंड करके आटा मिला के करते हैं, मैं केवल ड्राई फ्रूट्स का लड्डू बना रही हूँ, केवल पूरी ड्राई फ्रूट्स का। ये देखें बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है, जैसे हाथ लगा सको या हाथ लगा सकती हूँ। अब इसे बांध लेंगे, ये देखें लड्डू कितना प्यारा बना है, ऐसे कर करके दो लड्डू बना लेंगे। शक्कर वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि अपन क्या ऐड कर चुके हैं इसमें, खजूर मीठे के लिए और गुड़। ये देखिए इसे भी ऐसे बांध लेंगे, दो लड्डू तैयार हो चुके हैं अपने।